आज के इस वीडियो में लुसेंट जीके का 15वां भाग लेके आ रहे हैं। आपको बता दें कि यह वीडियो आपके एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बेहद फायदेमंद होगी। सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर जॉब्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो ये वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि इसके 14 पार्ट जो कि ऑलरेडी अपलोड है, आपको उनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर पहले कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। तो यहाँ पे देखिए आपको इसी तरह क्वेश्चन मिलेंगे और पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन प्रयोग में लाई जाती है वो किसका और किसका मिश्रण होता है। तो इस तरह का कंडीशन आपने कब देखा होगा, यहाँ इस तरह का कंडीशन आपने देखा होगा कब, जब कोई बच्चा होता है, खास करके जो बच्चे होते हैं उनको जब निमोनिया हो जाता है, निमोनिया, तो वहाँ पे जब उनको सांस लेने की प्रॉब्लम हो जाती है तो उन्हें जब हम हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो उन्हें सांस के लिए एक स्पेशल यंत्र से उन्हें सांस दिया जाता है जिसे हम कृत्रिम सांस कहते हैं। तो उसमें जो हमको ऑक्सीजन मिलता है वो हीलियम के साथ मिक्सचर होता है। इससे क्या होता है कि जब हीलियम के साथ मिक्सचर होकर ऑक्सीजन मिलेगा तो हमें सांस लेने में आसानी होगी, हमें कम मेहनत करके सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि जो गोताखोर होते हैं, जो कि समुद्र में कोई सामान ढूंढने के लिए लगाया जाता है उनको, या फिर किसी बड़े बड़े नहरों में, तो उनको भी जो सिलेंडर दिया जाता है उनमें ऑक्सीजन और हीलियम का ही मिक्सचर होता है। अगला क्वेश्चन कि मानव अस्थि का प्रमुख तत्व क्या है, मतलब कि मानव हड्डी में मुख्य रूप से तत्व कौन सा है, तो यह है फास्फोरस। अगला क्वेश्चन कि पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम में लाया जाता है क्योंकि यह किसका भरपूर होता है। तो जो भी पक्षियाँ होती हैं इनकी जो हड्डियाँ हैं उनको हम प्रयोग में लाते हैं क्योंकि वो फास्फोरस से पूर्ण होती हैं। अगला क्वेश्चन कि दिया सलाई के निर्माण में क्या प्रयोग में लाया जाता है। दिया सलाई मतलब कि जिनको माचिस के नाम से भी जाना जाता है, तो इनमें लाल फास्फोरस लाया जाता है जो कि उनके मुख पे लगाया गया होता है, वो लाल फास्फोरस होता है। अगला क्वेश्चन कि हड्डियों एवं दांत में लगभग 50% क्या होता है। तो देखिए जो हड्डियाँ होती हैं या फिर दांत होता है इनमें 50% तो कैल्शियम फास्फेट होता है, बाकी 50% में और कई इन्ग्रीडियंट होते हैं। अगला क्वेश्चन कि युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मतलब कि युद्ध में अगर हम चाहते हैं कि सामने वाला हमको देख ना पाए, एक धुएं की लेयर बन जाए, तो उसके लिए हमें PH3 का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि यह एक लेयर बना देता है और ये अपारदर्शी होता है, मतलब कि इधर वाले इधर को नहीं देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि अमोनिया का कौन सा गुण है, अमोनिया का एक गुण कौन सा है। तो अमोनिया यह जो इसका जो जलीय विलयन होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है, मतलब कि यह होता है अम्ल। यहाँ पे जो भी अम्ल होते हैं अगर पता करना है कि यह अम्ल है कि क्षार है, तो अगर अम्ल होगा तो उसमें हम लाल लिटमस डालते हैं तो हो जाता है नीला। अगर किसी भी विलयन में लाल लिटमस डालने पर वो नीला हो जाए तो कहा जाएगा कि जो वो विलयन है वो अम्ल है। अब ये कैसे पता चलेगा, तो एक होता है pH स्केल जिस पे 0 से लेके 14 तक के मार्क होते हैं, यहाँ 0 से लेके 7 तक जो भी आएगा वो अम्ल होगा मतलब कि एसिड होगा, और जो 7 से लेके 14 तक जाएगा वो क्षार होगा यानी कि बेस होगा। अब यहाँ पे जो पानी हम पीते हैं वो उदासीन होता है, मतलब कि उसकी pH वैल्यू 7 होता है। तो इसी तरह जो 7 से कम होगा उसे हम अम्ल कहेंगे, जो 7 से लेके 14 के बीच में होगा उसे हम क्षार कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि जल में आसानी से क्या घुलता है, तो जल में जो अमोनिया होती है आसानी से घुल जाती है। अगला क्वेश्चन कि डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस क्या है, मतलब कि आपने एक लाफिंग गैस का नाम सुना होगा। लाफिंग गैस का काम यह है कि अगर कोई व्यक्ति इसे सूंघ लेता है तो उसकी हंसी आने लगती है, और कई बार तो ये हंसी इतनी घातक होती है कि उस जो पेशेंट है उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड। इसमें पूछा जाता है कि कौन सा गैस वहाँ पे फैला था, तो वो था मिथाइल आइसोसाइनेट। जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट साइनाइट नामक गैस फैला था। अगला क्वेश्चन क्या है कि अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, तो अम्लीय वर्षा का कारण है N2O और H2O, खास करके जो H2O होता है ये अम्लीय वर्षा के लिए जाना जाता है। अब अम्लीय वर्षा क्या होता है, तो देखिए अम्लीय वर्षा जब बरसात का शुरुआती जो बारिश होती है, सबसे पहले वर्षा ऋतु में जो सबसे पहले बारिश होती है, वो बारिश अपने साथ धूल कण के उन सभी जो विषैले पदार्थ है सबको लेके आती है जिसमें विभिन्न तरह के गैस होते हैं, और अगर उसमें N2O तथा H2S
NO2 और SO2 है, तो इसे हम कहेंगे एसिड रेन। ये जो वर्षा होती है ये फसलों के साथ साथ और कई चीज़ों के लिए भी नुकसानदायक होती है, और सबसे बड़ा इनमें नुकसान ये होता है कि इससे स्टोन कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से कारण स्टोन कैंसर होता है, तो ये है अम्ल वर्षा मतलब कि एसिड रेन। और अगला क्वेश्चन कि गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं, तो ये होता है हीलियम और ऑक्सीजन। अब हीलियम तथा ऑक्सीजन ही क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा कि यही वो दोनों का मिश्रण है जो कि अस्पतालों में यूज किया जाता है कृत्रिम रूप से सांस देने के लिए। ज़रूरी नहीं कि ये बच्चों को ही दिया जाए, ये बड़ों को भी दिया जाता है जिनको सांस लेने वाली प्रक्रिया में प्रॉब्लम हो रही है। दरअसल उनको सांस लेने के लिए अगर ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है तो वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी दिया जाता है। इससे क्या होता है कि कम मेहनत में उनको ज़्यादा सांस मिल जाती है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा जाता है हीलियम और ऑक्सीजन से, एक तो अस्पताल वाला हॉस्पिटल वाला भी आपने देखा, और एक होता है गोताखोर वाला। तो ये होता है ऑक्सीजन और हीलियम। अगला क्वेश्चन कि दमा के रोगी को वाई के स्थान पे क्या दिया जाता है, तो देखिए अगेन जो अस्थमा है या फिर दमा के जो रोगी होते हैं उन्हें क्या प्रॉब्लम होती है, वो सांस नहीं ले पाते हैं, तो उन्हें हम क्या देंगे, हीलियम देंगे, और हीलियम के साथ क्या मिश्रित रहेगा, ऑक्सीजन। क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पे उनको सांस आसानी से मिल जाए। अगला क्वेश्चन कि घरेलू प्रशीतक में समानतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं, बात हो रही है कूलर की, तो ये है अमोनिया। तो आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है कि आप हमें अमोनिया का रासायनिक सूत्र कमेंट करके बताइए, अमोनिया का रासायनिक सूत्र हमें कमेंट करके बताइए। अब बात करें कि जो टीयर गैस है ये क्या है। अब टीयर गैस का मतलब क्या कि ये मतलब कि आंसू गैस होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने अभी शुरुआत में आपको बताया था इसी गैस के बारे में। ये धुआं तो एक लेयर तो बनाता ही है, इसमें क्या है कि ये जिन जिन को लगता है वहाँ पे उनके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, इसीलिए इसे टीयर गैस भी कहा जाता है, और ये भी है अमोनिया। अगला क्वेश्चन कि पीतल के बर्तन की कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या होता है। जो पीतल का बर्तन होता है इस पर पेंट करते समय बात हो रही है, तो इसे जब गर्म करते हैं, गर्म करके सफाई करते हैं, तो उस समय जो अमोनिया तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं निकलता है। अगला क्वेश्चन कि एक अज्ञात गैस जल में घुल जाती है, तो यहाँ पे आपको ये जानना चाहिए कि जब भी कोई गैस अगर जल में घुलती है, और वहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया है NH3 मतलब कि अमोनिया, यही अभी हम आपसे पूछे थे, तो अमोनिया ऑप्शन है, तो वही ऑप्शन सही होगा। अमोनिया में एक चीज़ आपको ये जानना चाहिए कि ये इसका जो गैस होता है वो धुएं की तरह होता है, और धुएं से होने से फ़ायदा क्या होता है कि हम इसका युद्ध में भी प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा धुआं हो जाता है कि सामने वाले को नहीं दिखता है, इसे टीयर गैस भी कहते हैं। तो ये है अमोनिया मतलब कि NH3। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे बचाव प्रदान करती है, तो जो पृथ्वी के सतह के ऊपर होती है एक ओजोन परत जिसे हम O3 कहते हैं, सूर्य की जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती है उनमें से ये पृथ्वी के जीव जंतुओं को बचाती है। जीव जंतु ही नहीं पेड़ पौधों को भी बचाती है। अगर ये पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट धरती पर पहुँचने लगे तो हमें कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो स्किन का कैंसर होता है उसे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि रबर को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व क्या है, तो देखिए वल्कनीकृत का मतलब ये है कि जो आप रबर देखते हैं ये रबर मतलब कहाँ से मिलता है, तो ये निकलता है पौधों से। अब जो रबर निकलता है वो उतना मजबूत नहीं होता है जितना मजबूत आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, तो उसे और ज़्यादा मतलब कि मजबूत करने के लिए हम सल्फर के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। अगला क्वेश्चन कि चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण है, तो ये है H2S। देखिए अगर H2S है वायुमंडल में और अगर आप खुले में रख देते हैं चांदी के बर्तन को, चांदी का चाहे कोई भी बर्तन हो, तो H2S से ये क्रिया करके थोड़ी देर में ये काला पड़ने लगता है। अगला क्वेश्चन कि कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा के लिए जानी जाती है, तो अम्लीय वर्षा के लिए खास करके H2O उत्तरदायी होती है। हालांकि इसके साथ N2O भी होता है, NO2 भी होता है, लेकिन खास करके SO2 को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं, देखिए वही है SO2। तो इसका मतलब ये है कि ये सबसे पहले तो जब मतलब कि ठंडी का मौसम ख़त्म होता है तो उसके आप देखेंगे कि ठंडी के मौसम के कम से कम 3 महीने बाद बारिश का मौसम शुरू होता है, तो इन्हीं 3 महीने में ये जो SO2 है
ये पूरी तरह वायुमंडल में फैलने लगता है। और इसका कारण क्या पड़ता है कि जो पेड़ की पत्तियां हैं वो काली होकर गिरने लगती हैं, क्योंकि पेड़ों को सब कुछ वायुमंडल से ही मिल रहा है। अब जब पहली बार बारिश होती है, जब वर्षा ऋतु की पहली बारिश होती है, तो वहाँ पे उसमें ये मिल करके गिरता है और इसे हम कहते हैं एसिड रेन। इसीलिए आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मतलब कि जब पहली बारिश हो रही हो तो उसमें मतलब कि नहाना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन कि एक शुष्क सेल में किसका इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शुष्क सेल मतलब कि ऐसा सेल जिसमें जो रासायनिक चीज़ प्रयोग में ना लाया गया हो, जैसे कि वह सेल जो आपके दीवार घड़ी में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रयोग किया होता है यह मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। अगला क्वेश्चन कि रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है, तो यह है सल्फ्यूरिक अम्ल। और आज के लिए आपका दूसरा क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल को कैसे लिखते हैं आप हमें लिख के बताइए, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन कि रासायनिक उद्योगों में कौन सा तेजाब मतलब कि एसिड मूल रसायन के नाम से जाना जाता है, तो यह है H2SO4, इसे हम कहते हैं मूल रसायन। ये क्या होता है, तो ये एसिड है मतलब कि अम्ल है, इसकी जो पीएच वैल्यू होगी 0 से लेकर 7 के बीच में होगी। अगला क्वेश्चन कि ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, तो एलोट्रोप्स है। मतलब कि एलोट्रोप्स का मतलब क्या है, तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं O2, ओजोन को हम क्या कहते हैं O3, तो ये इसके एलोट्रोप्स हैं। अगला क्वेश्चन कि कौन सी गैस पायरोगैलोन के क्षारीय विलयन से गुजरने के बाद बादामी घोल बनाती है, तो ये है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन को आप पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन से मतलब कि जो क्षार होता है उस विलयन से गुजारते हैं, तो वहाँ पे जो घोल बनता है वो होता है बादामी कलर का। तो चलिए आगे बढ़ें, उससे पहले जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ज़रूर लाइक कर दें आप लोग, क्योंकि आपके लाइक से ही पता चलता है कि आपको यह वीडियो कैसी लग रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होने से ये फ़ायदा है कि हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लाते रहते हैं, तो आप लोग ज़रूर लाइक करिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है, मतलब कि जो ओजोन लेयर है जिसके बारे में अभी हम आपको बता रहे थे O3, जो कि ऑक्सीजन का ही एक रूप है, तो यहाँ पे जो O3 है ये जैसे कि इसका अपघटन हो रहा है मतलब कि ये टूट रहा है, अवक्षय हो रहा है, तो इसके टूटने का क्या कारण है, तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको CFC से भी डिनोट करते हैं। आखिर धरती पे ये CFC आता कहाँ से है, तो जो हम घर में कूलर इस तरह के जो भी ठंडे करने वाले पदार्थ मतलब कि सामान इन्हें हम यूज करते हैं उनसे निकलता है CFC। और अगला क्वेश्चन कि सुपरसोनिक वायुयान सम तापमंडल में कौन सा पदार्थ विसर्जित करता है मतलब कि छोड़ता है, जो कि सुपरसोनिक विमान होते हैं, तो ये छोड़ते हैं N2X, एक्स की जगह आप 1, 2, 3 कुछ भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि सूर्य के विकिरण में पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाती, तो ये है ओजोन O3, और इसको नुकसान कौन पहुंचाता है, CFC मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कि एक कार बैटरी में जो विद्युत अपघट्य होता है ये क्या होता है, तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। और अगला क्वेश्चन कि तनु गंध काम्ल के जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है, तो ये होता है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में कौन सा शुद्ध रूप से प्राप्त होता है, शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इनकी अभिक्रिया अगर आप कराएंगे तो शुद्ध रूप से मिलेगा कार्बन। कार्बन के दो अपरूपक होते हैं जो कि कई बार पूछे गए हैं, पहला है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट। हीरा के बारे में आप तो जरूर जानते होंगे, ग्रेफाइट वो होता है जो हम पेंसिल के भीतर प्रयोग में लाते हैं लेड के रूप में। अगला क्वेश्चन कि हैलोजनों में सबसे अधिक क्या होता है, जो हैलोजन होते हैं तो हैलोजनों में सबसे अधिक क्रिया अभिक्रिया किसकी है, यह फ्लोरीन का। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कि थायराइड के दूषित कार्यफलन को दूर करने के लिए आयोडीनीकृत नमक साधारणतः किस रूप में दिया जाता है थायराइड के, तो ये होता है पोटेशियम आयोडाइड के रूप में। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्यों, तो दरअसल इसको नहीं रखने का कारण ये है कि जो ये कांच होता है सिलिकॉन ऑक्साइड से क्रिया करके, जो इसमें ऑक्साइड है उसे क्रिया कर लेता है, इसीलिए इसको इसमें नहीं रखा जाता है। कैंसर के उपचार के लिए कौन सा प्रयोग में लाया जाता है, तो ये होता है रेडान, रेडान या फिर कोबाल्ट 60 को भी प्रयोग में लाया जाता है कैंसर के उपचार में। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है, तो ये है कार्बन। अभी हमने आपको बताया कि जो हीरा है वो कार्बन का अपरूपक है, इसके साथ हमने क्या बताया था, तो ग्रेफाइट को भी।
अगला क्वेश्चन कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है, मतलब कि जो हवाई जहाज होते हैं इनके टायरों में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है, तो यह है हीलियम। हीलियम ही क्यों, क्योंकि यह हल्की होती है और इस मतलब कि वायुयान है इनको आकाश में उड़ना है, इसीलिए हीलियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सबसे अधिक योगदान है, तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब कि अमेरिका है यूएसए, ये सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस हैं इनका उत्सर्जन करता है। देखिए ये बड़े देश हैं इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा है और ये लोग ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अगला क्वेश्चन कि ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित रहती है उसे क्या कहते हैं, मतलब कि हमारे यहाँ लेयर है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, तो ये जो जिस मंडल में है इसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। अगला क्वेश्चन कि भारी पानी की खोज किसने की, तो भारी पानी नॉर्मल पानी का सूत्र क्या होता है H2O, भारी पानी का सूत्र क्या होगा D2O, इसकी खोज किसने किया था तो HC Urey ने। देखिए H2O D2O दोनों एक में H है एक में D है, अब दोनों एक ही जैसे कैसे हुए, तो हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं 1H1, 1H2, 1H3, तो इन तीनों को कहते हैं समस्थानिक। इस जो पानी होता है उसमें 1H1 प्रयोग में आता है, जो भारी पानी होता है उसमें 1H2 प्रयोग में लाया जाता है, इसे कहा जाता है ड्यूटेरियम। अगला क्वेश्चन ये कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो जो कठोर जल होता है उसे मृदु बनाने के लिए उसमें से कैल्शियम और मैग्नीशियम को निकालना पड़ता है और इस प्रक्रिया को कहते हैं फिल्टरेशन। तो आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कि वायु से भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्यों, तो देखिए वायु से भरे गुब्बारे हों इसमें हीलियम को हाइड्रोजन से अधिक वरीयता दी जाती है क्योंकि यह हल्का होता है, जो हल्का होगा ऊपर जाएगा और इसीलिए जो वायुयान के पहिए हैं उसमें भी हम क्या लगाते हैं तो हीलियम ही लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस प्रयोग में लाया जाता है, तो यह है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस ही क्यों, क्योंकि ये जो गैस है किसी से रिएक्शन नहीं करेगा और उसी तरह पड़ा रहेगा, और यही कारण है कि अक्रिय गैस होने के कारण जब विद्युत बल्ब टूटता है तो ये आवाज़ होता है। तो कभी कभी ये भी पूछा गया है कि जब विद्युत बल्ब टूटता है तो इसमें आवाज़ आती है क्यों, तो विद्युत बल्ब टूटने के बाद आवाज़ इसलिए आती है कि जो विद्युत बल्ब है इसके अंदर अक्रिय गैस भरी होती है। जब विद्युत बल्ब टूटता है तो ये अक्रिय गैस निकलती है इसमें से, और जो यहाँ की वातावरण की गैस इसे इसे पूरा करने के लिए तेजी से इसके तरफ बढ़ती है और यहीं पर आवाज़ होती है। अगला क्वेश्चन कि वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है, नोबल मतलब कि अक्रिय, अक्रिय मतलब कि ऐसी गैस है जो कि जीरो जो वर्ग है उसमें रखी गई हैं, और इसका मतलब ये कि इनका जो अष्टक है वो पूरा होता है, ये कभी किसी और से क्रिया नहीं करती हैं। जो अगर आपने मेंडलीव का आवर्त सारणी पढ़ा होगा तो आपको वहाँ पे डिटेल रूप से बताया जाता है कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है, तो ये है ज़ीनॉन। अगला क्वेश्चन कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है, तो ये है अपचयन। और अगला क्वेश्चन कि वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाया जाता है, तो यह होता है सबसे हल्का, और सबसे हल्का होने का क्या कारण है, सबसे हल्का होगा वो सबसे ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब कि हमारे वायुमंडल में वो रुकेगा ही नहीं, और यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भी पृष्ठ के तापमान पे क्या असर पड़ेगा, तो अगर हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो जो तापमान है वो कम हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड ना रहे तो सारी चीज़ फायदा ही फायदा है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो नुकसान भी है, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण मतलब कि भोजन बनाने की क्रिया में CO2 का ही यूज करते हैं, और जब पौधों को भोजन बनाने के लिए CO2 नहीं मिलेगा तो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन कि बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और अगला क्वेश्चन कि जल का शुद्धतम रूप क्या है, तो यह है वर्षा का जल, क्योंकि वो पूरी तरह शुद्ध होता है अगर आप पहली दूसरी वर्षा के बाद का जल लेते हैं तब। अगला क्वेश्चन कि बीज संक्रमण के बाद जल में उपस्थित क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं अवशिष्ट क्लोरीन। तो आगे बढ़ें उससे पहले जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए आप लोग जरूर लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। हम देखते हैं कि इस तरह की वीडियो पर 10% भी लाइक नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग इसे शेयर भी कर दिया करिए अगर आपके पास कोई ग्रुप है तो, ताकि सपोर्ट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होगा तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाने का। आपको बता दें कि इस तरह की हमने कम से कम 50 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें से 30 से 35 वीडियो हैं जो SPDG के उससे रिलेटेड, बाकी वीडियो हैं लुसेंट के लिए, तो आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा चैनल के प्ले लिस्ट में,
और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन है कि हीरा और ग्रेफाइट क्या है, तो ये दोनों अपरूपक हैं, अभी हमने इस ऊपर आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल में डालडा या फिर वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल में लाई जाती है, तो ये होती है हाइड्रोजनीकरण। अगला क्वेश्चन कि अक्रिय गैस की खोज किसने किया था, ये किया गया था रमजे के द्वारा। स्टार मार्क कर लीजिए, कई बार पूछा गया है आपको। चीज़ एक बता दें, आप इसका PDF डाउनलोड कर पाएंगे और इसका लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर अगर आप वैसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, सरकारी एग्जाम उसके बाद .me लगाना होगा आपको, ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ जाके आप इसका PDF डाउनलोड कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन कि गहरे समुद्री गोताखोर श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए क्या मिलाते हैं, तो ये तो हम कई बार आपको बता चुके हैं, हीलियम के साथ ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, या फिर जो दमा के पेशेंट होते हैं उनको भी यही दिया जाता है, या फिर जो कृत्रिम रूप से सांस दी जाती है उसमें भी यही होता है। तो अगला क्वेश्चन कि सिगरेट में धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है, मतलब कि जो सिगरेट से प्रदूषण होता है इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो देखिए जो सिगरेट का धुआं हो या फिर गाड़ियों के धुएं हो, जो बाइक हो है या फिर जो चार चक्के वाली गाड़ियां हैं, सबसे इसमें ज़्यादा होता है ऑक्सीजन का, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और अगर सिगरेट धुएं की बात आएगी तो इसमें होता है बेंजीन भी। अगला क्वेश्चन कि नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं इनमें न्यूट्रॉन प्रयोग में लाया जाता है, न्यूट्रॉनों की संख्या अधिकतम ना हो इसे सोखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है ग्रेफाइट, या फिर बोरान की छड़े, या फिर भारी जल को, किस रूप में, तो मंदक के रूप में। मंदक क्या होता है, तो मंदक वो चीज़ होते हैं जो किसी भी क्रिया को कम कर दें। अगला क्वेश्चन कि जब शुष्क KNO3 में सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है तो भूरा धुआं निकलता है, यह धुआं किसका होता है, तो ये होता है NO2 का, और इसी के साथ अगर SO2 मिल जाए तो ये जो अम्ल वर्षा है उसके लिए कारक हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि रबर के वल्कनीकरण के लिए, तो ये हमने शुरू में ही आपको बताया कि जो रबड़ होता है जो हम देख रहे हैं वो इतना शुद्ध नहीं मिलता है, इतना मजबूत नहीं मिलता है। रबड़ आपको पता है कि पौधे से निकाला जाता है, पौधे के दूध से बनता है, लेकिन इसे और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए इसे सल्फर के द्वारा मिलाया जाता है, मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये भी आपको जानना चाहिए, कई बार पूछा गया है वल्कनीकरण। अगला क्वेश्चन कि पुरातत्वीय खोजों के काल निर्धारण के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है, मतलब कि कोई चीज़ अगर हमको मिला है मतलब कि खुदाई में, कैसे पता चलेगा कि उसका टाइम पीरियड कितना है, तो इसके लिए हमने कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं, इससे ये पता चलता है कि ये कितना टाइम पीरियड का है। अगला क्वेश्चन कि पौधे नाइट्रोजन को कौन से रूप में लेते हैं, तो जो पौधे हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं, और इसीलिए आप देखेंगे कि जो हम खाद यूज करते हैं उर्वरक, उसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज 47% होता है। तो आपको एक चीज़ समझना चाहिए, जो हमारे वायुमंडल है इसमें 98% नाइट्रोजन है, 78% है, लेकिन इस 78% के बावजूद भी हमें अपने पौधों को, जो कि धान है गेहूं है, इस तरह के पौधों को यूरिया डालना पड़ता है, जो कि जिसमें 47% नाइट्रोजन रहता है। ऐसा क्यों क्यों नहीं ये पौधे वायुमंडल से ले लेते हैं, तो जो पाया जाता है वायुमंडल में होता है नाइट्रोजन, और जो हमारे पौधे होते हैं उन्हें चाहिए नाइट्रेट्स, तो नाइट्रोजन और नाइट्रेट्स में ये जो प्रॉब्लम है ये अलग अलग है, इसीलिए पौधों को इसे लेने में प्रॉब्लम होती है और हमें अपने खेतों में यूरिया डालना पड़ता है। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ समाप्त हो जाएं तो कौन सी गैस की कमी हो जाएगी, तो जाहिर है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि जो वनस्पतियाँ हैं ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन देती हैं। अगला क्वेश्चन कि ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसे वायु प्रदूषण होता है कौन सी है, तो अभी हमने आपको बताया ऑटोमोबाइल या फिर बाइक या फिर चार चक्का कोई गाड़ी, तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर पूछा जाए जो ये बीड़ी या फिर सिगरेट होता है तो इसमें एक बेंजीन जुड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पे द्रव में बदल जाती है, तो ये है हाइड्रोजन, और बारूद एक मिश्रण है किसका किसका, तो ये है नाइट्रर सल्फर और चारकोल का। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो ये है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हमारी प्राण वायु है। अगला क्वेश्चन कि सूर्य की सतह पे हाइड्रोजन के अलावा कौन सा अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये हीलियम। देखिए सूर्य के सतह पे क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन और इसके साथ साथ हीलियम, यहाँ पे नाभिकीय संलयन होता है और
और वहीं से आपको जो इतनी लाइट या फिर ऊर्जा मिलती है ना आपकी सलयन के कारण ही मिल पाता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, आप इसे जरूर शेयर करिए। एक व्यक्ति अगर एक शेयर करता है तो ज़्यादा सपोर्ट हो जाएगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। इस तरह की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।